के बाद स्वागत है आपका और यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने एक बात कही थी कि कुछ अंश है रामचरितमानस के जो कि विवादित है उनको उससे हटा देना चाहिए और उसके बाद से ही हंगामा तेज हो गया और अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, कई ट्वीट हमारे सामने आ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, किससे डर सता रहा है आपको? जिस तरीके से मेरे सिर काटने, सिर कलम करने को कोई 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख देने की सुपारी दिया है, साथ ही साथ कोई जीप काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई नाक कान काट रहा है और सभी आतंकवादी आचरण सार्वजनिक यानी मीडिया को बुला के किया गया है। हमने सुना था किसी ने अपना बर्थडे का केक तलवार से काटा था, फोटो वायरल हुई, वायरल होने पर सरकार ने उसके खिलाफ FIR कराई, उसको जेल भेजा। लेकिन ये दर्जन भर आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको देखते हुए मैं पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी को पहले पत्र भेजा था जी। अभी फिर से मैंने अपना पर दोबारा भेजा करीब 1 हफ्ता 2 दिन पहले। कल ताज होटल में जिस तरीके से मेरे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई जी, और मेरे समर्थक अगर वहां नहीं होते जी तो शायद साजिशकर्ता अपने मकसद में कामयाब भी हो गए होते। बहरहाल मैं वहां से सुरक्षित निकला, गाड़ी में बैठा अपने घर वापस आ गया। इसलिए मैंने रात में भी इसकी सूचना पुलिस कमिश्नर लखनऊ को दिया है जी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आप देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात मैंने उठाई है जी, धर्म की आड़ में नीच कहना, अधम कहना, अपमानित प्रताड़ित करना, नीच में भी नीच बताने से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई, मांग की कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से जिससे देश की समस्त महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े जिनकी संख्या 97% है जी, सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, इनकी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को इन 97% लोगों की भावनाएं क्या हुआ क्या था इससे कोई लेना देना नहीं। ये 3% लोग जो गाली देना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, नहीं नीच और अधम कहना, स्वामी प्रसाद जी सरकार मानते हैं धर्म से जोड़ करके ठीक है खत्म कर लीजिए, परंपरा को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं, आज वो बौखलाए हुए हैं और मेरी हत्या तथा जानलेवा हमला, सिर काटने, नाक काटने, कान काटने, जीभ काटने जैसे घटिया हरकतों पर आमादा हो गए हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपका राजूदास परमहंस दास से आमना सामना हुआ था, मेरा सवाल ये है, सवाल भी लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं कह रहा हूं कि जब आपका आमना सामना हुआ राजूदास जी से, तब उस समय हुआ क्या था, लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं जिस कक्षे में बैठे थे उसी के सामने से मेरा जाने का रास्ता था जी। इत्तेफाक से मैं गेट से 2-3 कदम आगे बढ़ा, तब तक ये लोग निकले मेरी ओर दौड़े, समर्थक बीच में आ गए। बहरहाल मैं सुरक्षित आगे अपना निकल गया, गाड़ी में बैठा चला आया। जानकारी मिली कि बाद में समर्थकों, नहीं आपके समर्थकों पर ही तो सवाल उठ रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि आपके समर्थकों ने महंत राजू दास से मारपीट की है, आरोप तो ये लग रहा है। जब किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करेंगे, उसको ढकेलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रतिकार कोई किया होगा, लेकिन जो भी घटना घटी है वो ताज होटल के सीसीटीवी। अच्छा, आपके अच्छा ठीक है, आपके समर्थकों ने रामचरितमानस को जलाने की कोशिश की, इस कदम को आप कैसे देखते हैं, क्या ये ठीक है? मेरे किसी समर्थक ने रामचरितमानस की कोई प्रति नहीं जलाई, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, पूरी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को छोड़कर मैं उस पूरी किताब का सम्मान करता हूं। रही बात वो धार्मिक पुस्तक है या काव्य है, महाकाव्य है, ये इसमें बहस का विषय नहीं है। धार्मिक पुस्तक है तो
महाकाव्य है तो हाँ, या काव्य है तो हाँ, अगर कुछ लाइनों से देश के 97% महिलाओं आदिवासियों दलितों पिछड़ों को रोजाना सामाजिक धार्मिक सरोकार के अवसरों पर नीच अधम अपमानित प्रताड़ित कहे जाने की बात आती है तो उनके सम्मान की बात उठाना और ऐसे शब्दों को संशोधित या प्रबंधित करने की मांग करना यह सबका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए केवल इतनी बात कहने पर लोग हत्या पर मादा हो जाएं, सिर काटने पर मादा हो जाएं, 51 लाख 21 लाख 51 करोड़ की बात करने लगे, जीभ काटने की बात करें, हाथ कान नाक काटने की बात करें, हाँ तो क्या नहीं ठीक है। आप महिलाओं की पिछड़ों की बात उठाइए सांसद मौर्य जी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है क्या, ठीक है आवाज आ रही है तो सुनिए, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं आपको लगता नहीं है क्या कि लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं आप, क्या वो आग में घी डालने का काम नहीं है क्या? आपको मालूम होना चाहिए, आप तो इन आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये सम्मान देने के लिए हमें आगे बात करें, हम इनको माला पहना स्वागत करेंगे। आप कैसे कहते हैं समाज को बांटने की बात कर रहे हैं? आतंकवादियों को बढ़ावा देना, आतंकवादियों को बढ़ावा देना क्या देश के भला, देश के लिए अच्छा है क्या? हाँ। क्या हिंदू धर्म के लिए अच्छा है क्या? हाँ। ये तो हिंदू धर्म के दुश्मन है जो हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो 97% लोग हैं वो भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। ठीक है, आप जो रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं, आपको तब क्यों याद नहीं आया जब आप बीजेपी में हुआ करते थे? तब तो आपने आवाज नहीं उठाई। आपको नया जनाधार तैयार करना है क्या? मानस पर सवाल उठा रहे इसीलिए क्या? आज आपने क्यों इस सवाल पर प्रश्न किया? यानी जब कोई बहस का विषय चलता है, प्रसंग आता है, तभी उसका जवाब दिया जाता है। आपको क्या मालूम, मैं सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को उठा चुका हूं। ये बात दिगर है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो रहा है। रामचरितमानस, हाँ, इसी प्रसंग बस आप मुझसे संवाद कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पहली बार इस पर मेरी आंख खुली है। मैं पहले भी कहता आया हूं। अच्छा ठीक है, और आज भी कह रहा हूं। ठीक है, आगे भी कहता रहूंगा। जब रामचरितमानस में कुछ ऐसी बातें हैं जो विवादित है, तो स्वामी बाकी लोगों को कैसे मनाएंगे जब वो अपनी बेटी को ही नहीं मना पा रहे हैं अपने साथ लाने में, तो बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे? आप बीजेपी के सुचिंतक कैसे हो गए? और सही मायने में जब जिसकी आप बात कर रहे हो सांसद भाजपा की है, अगर कोई सवाल करना है तो भाजपा सांसद से बात करिए। मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव हूं, इसलिए भाजपा के किसी सांसद की जवाबदेही को मैं आप सामने सुनिश्चित नहीं कर सकता। अच्छा, आपको